दो टेस्ट मैचेस, दो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, और रिजल्ट से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका की फ्लेवरलेस या नो फाइट वाली परफॉर्मेंस देखकर शायद सभी यही एक्सपेक्ट करोगे कि ये 3-0 होने के ज्यादा चांसेस है। और एससीजी में कितने दिन मैचेस चले, कितने दिन ये मैच चलेगा, 3 दिन, 4 दिन, या फिर बारिश के कारण शायद 5वां दिन। बट ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दक्षिण अफ्रीका के कंधे से वो बंदर निकल गया, यानी उन्हें अभी सीरीज जीतने का कुछ एम नहीं है या फिर कुछ टेंशन नहीं है। प्लस मोर और लेस वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर ही है, क्योंकि अगर उन्हें अभी कंटेंशन में आना है, उन्हें ये मैच तो जीतना ही जीतना है, फिर वेस्टइंडीज को भी हराना है, बट उसके साथ साथ उन्हें ये उम्मीद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया भारत में आके भारत को 3-0 या 4-0 से हराएगी, जो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल तो नाम के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन मोर और लेस वही है, क्योंकि जिस देश ने पिछले 25 टेस्ट मैचेस में एशिया में से 2 मैचेस हारे हैं, उस देश को अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 4-0 या 3-0 से हारेगी, वो भी अपने ही घर में, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो उस हिसाब से एक रीजनेबल, साउथ अफ्रीका के पास कोई प्रेशर नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेगी, खास करके बैटिंग डिपार्टमेंट में। तो क्या चेंजेस होंगे इस पर्टिकुलर टीम में, फिर ऑस्ट्रेलिया के भी क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि इंजरी कंसर्न्स है, रिप्लेसमेंट आ गए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये टेस्ट मैच है तीसरा जो खेला जाएगा बुधवार 4 जनवरी से 2023 को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह के 5 बजे। सिडनी में मैच है और उस टाइम सिडनी में बज रहे होंगे सुबह के 10:30 बजे। 4:30 बजे टॉस होगा, लेकिन अगर आप उस टाइम पे फ्री ना हो या फिर सो रहे हो या जो भी, अगर आपको रियलाइज नहीं हुआ तो अलार्म क्लॉक के हिसाब से फैंटेसी गली का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही टॉस होगा और टीम्स अनाउंस हो जाएंगे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा उस ऐप में कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। उसके बाद जब आप टीम सेक्शन में जाओगे फैंटेसी गली में वेब या ऐप में, आपको वही प्लेयर्स दिखेंगे जो मैच में खेल रहे हैं, बाकी स्क्वाड मेंबर्स नहीं नजर आएंगे। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। बिल्कुल सेफ है, नो वायरस, नो ओटीपी रिक्वायर्ड, और आप अपनी सहायता कर सकते हैं। सहायता के लिए हमने एक कॉन्टेंट्स पेज बनाया हुआ है पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, जहां पर आपको नीचे वीडियो में सेगमेंट या चैप्टर्स दिखेंगे टाइम स्टैम्प्स के साथ, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर टाइटल चूज कर लिया तो वो सेगमेंट या चैप्टर चूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको हेड टू हेड देखना है, प्लेयर बैटल्स देखना है, तो आप वो हेड टू हेड वाले टाइम स्टैम्प पे जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए और आप वो सेगमेंट देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप कोई भी सेगमेंट या चैप्टर या स्लाइड देख सकते हैं, लेकिन एक बार एटलीस्ट वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो सेगमेंट या चैप्टर आपने ओमिट कर दिया हो, हमने वहीं पर कोई इंपॉर्टेंट बात बताई हो। और अगर आपको ये वीडियो ब्लर नजर आ रहा हो, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो माफी चाहते हुए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज नीचे आइए चैट और कॉमेंट सेक्शन में, वहां पर हमने इस मैच की पीपीटी का पीडीएफ अटैच कर दिया है, तो आप वो इत्मीनान से डाउनलोड कर ले और आराम से पूरे पीपीटी और सारे स्लाइड्स देख ले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टॉप फैंटेसी पिक्स, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मानस लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ 2 बैटर्स, लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ से 2 बोलर्स, माको यानसन और कहिसो रबाडा, क्योंकि वही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं। ये 4 प्लेयर्स अगर आपके टीम में हो तो आपके नुकसान के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन यही सिर्फ यही 4 प्लेयर्स होने से काम नहीं बनेगा, आपको बाकी प्लेयर्स भी चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टनसी पिक्स चाहिए, वो जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम, मैं हूं कार्तिक अय्यर, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फैंटेसी गली की तरफ से इस नए वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टेस्ट मैच जो खेला जाएगा बुधवार 4 जनवरी 2023 से सिडनी में भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह के 5 बजे। प्लीज fantasygully.com पे आइए, चेकआउट कीजिए स्टैट्स, आर्टिकल्स, प्लेयर बैटल्स, टीम बैटल्स, रिकॉर्ड और वेन्यू वगैरह वगैरह, कॉन्टेस्ट कॉन्टेंट, फिर टीम्स, और फिर वहां पर स्केड्यूल भी, स्केड्यूल पे ही आपको पता चलेगा कि फैंटेसी गली कौन से सीरीज और मैचेस कवर कर रहा है। तो अगर आपको कोई एक मैच का वीडियो नहीं मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, आप फैंटेसी गली पे जरूर आइए, क्योंकि वीडियो बने ना बने आपको टीम्स जरूर मिल जाएंगे ऐप या वेब में। और हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर जुड़े, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG, अब नॉर्मली ये स्पिन फेवर करता है और बैटिंग फर्स्ट माना जाता है SCG में, क्योंकि यहां पर बैटिंग फोर्थ बहुत ही मुश्किल है। बट पिछले कुछ मैचेस में हमने ये देखा है कि सिर्फ 2 ही मैचेस ऐसे हैं जहां पर टीम बैटिंग फर्स्ट ने जीता है, और बाकी 3 जो है
उसमें से दो ड्रॉ हुए हैं और एक चेज करके जीता है। तो ये देखा जा रहा है कि फर्स्ट क्लास के हिसाब से यहां पर टीम बैटिंग सेकेंड को ज्यादा एडवांटेज मिल रही है। प्लस पहले दिन को छोड़कर बाकी पांचों दिन पे, बाकी चारों दिन पर बारिश का फोकस है, थोड़ी थोड़ी बहुत बारिश है, तो फिर टीम्स को बराबर क्या बोलते हैं एडजस्ट करने को मिलेगा नहीं, तो उसके लिए बैटिंग सेकेंड हमने यहां पर रखा है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 265 है यहां पर ओनली, काफी कम है, पर जो लोएस्ट स्कोर बनाकर जीती है टीम वो है 233। तो अमूमन अगर आप 300 पार कर लेते हैं तो वो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप 230 के नीचे बनाते हैं तो टीम बैटिंग सेकंड को एक एडवांटेज है। 24 डिग्री सेल्सियस है वेदर, 63% है ह्यूमिडिटी और रेन फोरकास्ट है, ज्यादा नहीं लेकिन है प्ले इंटरप्ट करने के लिए। पेसर्स ने यहां पर अमूमन 65% विकेट्स लिए हैं पिछले 5 मैचेस में और स्पिनर्स ने ज्यादा करके सेकेंड इनिंग्स में ज्यादा विकेट लिए हैं, चौथे इनिंग में नहीं सेकेंड इनिंग्स में एज ऑफ नाउ, मतलब जो हमने 5 मैचेस यहां पर फर्स्ट क्लास मैचेस देखे हैं। हेड टू हेड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया काफी आगे है 54-26, पिछले 5 मैचेस में धीरे धीरे अब ऊपर आ रही है, 2-3 से पीछे है दक्षिण अफ्रीका से। फिर इस वेन्यू पे पिछले 5 मैचेस में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया 4-1 से आगे है। इनफैक्ट ओवरऑल 9 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच में, जिसमें से साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 1 जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने 8 जीता है एंड प्लस 2 ड्रॉज, यानी 11 मैचेस में से ऑस्ट्रेलिया ने 8 जीते हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और मजे की बात यह है ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने पिछले 4 मैचेस यहां पर जीते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। लास्ट टाइम जब वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हारे थे इस वेन्यू पे वो था 1994, तो एक अच्छी हिस्ट्री आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ इस वेन्यू पे। अब ओवरऑल की बात करें तो नॉट सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 14 गेम्स में से 10 टेस्ट मैचेस जीते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा वो घर पे खेले हुए हैं और 3 ड्रॉस किए हैं और 4, मतलब यानी 14 गेम्स में से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 1 ही मैच हारी है और वो था श्रीलंका के अगेंस्ट गॉल में, वो भी घर से बाहर। तो घर पे तो इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 50-50 रहा है, पिछले 8 गेम्स में से 4 जीते हैं बट 4 लगातार हारे हैं। इस वेन्यू पे ऑस्ट्रेलिया का कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। क्यों अच्छा रिकॉर्ड नहीं है? क्योंकि 8 मैचेस में से 1 ही हारे हैं नो डाउट, बट जो बाकी 7 मैचेस में से 3 ही जीते हैं, तो वो जो एक ड्रॉ का यहां पर फैक्टर ज्यादा हुआ है, या तो बिकॉज ऑफ बारिश या तो फिर पिच जो है बेटर होती जाती है जैसे एज द गेम प्रोग्रेसेस। इनका इस वेन्यू पे लास्ट लॉस था अगेंस्ट इंग्लैंड 2011। दक्षिण अफ्रीका जैसे हर टेस्ट मैच में होता है, हर टेस्ट सीरीज में वो एक वेन्यू पे उसी टीम के साथ ही खेलती है, किसी और टीम के साथ नहीं खेलती। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, ओपनर्स मानत लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी। अब एश्टन एगार को हाईलाइट किया है। क्यों एश्टन एगार को हाईलाइट किया है? क्योंकि कैमरन ग्रीन रूल्ड आउट है, तो कैमरन ग्रीन की जगह पे या तो ऑस्ट्रेलिया एक फास्ट बॉलर ले सकती है या तो एक ऑलराउंडर ले सकती है। प्लस सिडनी का मैच है, सिडनी का पिच है, तो स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा, इसलिए शायद ऑस्ट्रेलिया एक पेस बॉलर कम और एक स्पिनर को यहां पर जगह दे रही, इसलिए एश्टन एगार। फिर पैट कमिंस, नेथन लायन, अब जॉश हेजलवुड को भी हाईलाइट किया है। क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि जॉश हेजलवुड कह तो रहे हैं कि वो फिट है, पर क्या वो सच्ची में फिट है ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले भी उन्होंने कहा था कि वो फिट है, लेकिन एन मौके पर उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया। अब यहां पर रोटेशनल पॉलिसी भी हो सकती है, तो जॉश हेजलवुड या तो स्कॉट बोलैंड की जगह पे आ सकते हैं या तो स्कॉट बोलैंड के साथ भी खेल सकते हैं। प्लस एक फास्ट बॉलर है लांस मॉरिस, उन्हें शायद मौका दिया जा सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा। तो ये कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। एंड जैसे कि हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात की थी, ऑस्ट्रेलिया भी वही एटीट्यूड से जाएगी, क्योंकि ये टेस्ट मैच का उनके लिए ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हो सकता है फास्ट बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट दे दे एंड जो है नए प्लेयर्स को यहां पर मौके दे दे। फिर दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डीन एल्गर, सारे नवी, अब रैसी वैंडर डुसन को हमने हाईलाइट किया। क्यों? क्योंकि थॉयस डिब्राइन खेले थे सेकेंड टेस्ट मैच, लेकिन वो अब घर गए हैं फैमिली लीव पे, पिता बनने वाले, तो इसके लिए वो ये टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, तो उनके जगह पे रैसी वैंडर डुसन। टेम्बा बाउमा, खाया जोंडो, काइल वरेन, मापो यांसन, केशव महाराज, कहिजो रबाडा, आंद्रिक नोकिया और लुंगी एनगिरी। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग काफी अच्छी रही है इस सीरीज में, लेकिन अगर हम उस बॉलिंग को कॉन्सेंट्रेट करें तो मापो यांसन और आंद्रिक नोकिया ने जबरदस्त बॉलिंग की है, बाकी केशव महाराज तो दिखे ही नहीं है, कहिजो रबाडा इनकंसिस्टेंट रहे हैं और लुंगी एनगिरी भी कुछ खास कर नहीं पाए। तो हो सकता है लुंगी एनगिरी की जगह पे वो कोई दूसरे खिलाड़ी को लेके आए, एक जेरार्ड पोट्जी
करके एक ऑप्शन है, उन्हें कंसिडर किया जा सकता है, या फिर साइमन हार्मर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया दो स्पिनर्स के साथ उतर रही है, हो सकता है साइमन हार्मर को केशव महाराज के साथ पार्टनर करने का मौका मिले। ऊपर एक और ऑप्शन है खाया जोंडो, अगर उनके जगह पे हाइंड्रिक क्लासन को लाया जाए, क्योंकि हाइंड्रिक क्लासन अच्छे फॉर्म में है डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब प्लेयर बैटल्स की बात करें, डेविड वॉर्नर वर्सेस कहिसो रबाड़ा, पहले टेस्ट मैच देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद इन दोनों की बैटल इस पूरे सीरीज को डिफाइन करेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पहले टेस्ट मैच में दोनों पारियों में आउट किया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में आउट ही नहीं कर पाए। 208 गेंदों में 7 बार आउट किया है रबाड़ा ने डेविड वॉर्नर को, और 223 रन भी खाए हैं, स्ट्राइक रेट 107 है। जो दूसरा टेस्ट मैच था रबाड़ा का, बहुत ही खराब टेस्ट मैच था। ये नए वर्ष के साथ रबाड़ा एक्सपेक्ट करेंगे कि एक नए फॉर्म के साथ आए और डेविड वॉर्नर को फिर से एक बार तंग करें। फिर डीन एल्गर वर्सेस नेथन लायन, वैसे तो डीन एल्गर सीक्रेटली खुश होंगे कि मिचेल स्टार्क ये वाला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने जो इन्हें परेशानी दी है नए गेंद के साथ, उन्हें आगे सेटल होने को दिया ही नहीं है। शायद उनका हाईएस्ट स्कोर सीरीज में 26 ही है, वो भी रन आउट हो गए थे मानस लाभूषण के डायरेक्ट हिट के अगेंस्ट, तो उन्हें नेथन लायन का सामना ज्यादा करने मिला ही नहीं है। अगर सामना करने मिला, नेथन लायन ने इन्हें 5 बार आउट किया है और स्ट्राइक रेट सिर्फ 32 है, तो ये कॉन्टेस्ट देखने को मजा आ सकता है एससीजी के ट्रैक पर। फिर सायरन अर्वी वर्सेस स्कॉट बोलेट, वैसे तो सायरन अर्वी ने कुछ ज्यादा रन स्कोर नहीं किए हैं, स्कॉट बोलेट का इनके ऊपर थोड़ा दबाव रहा है, 20 गेंदों में 2 बार आउट किया है, लेकिन 70 का स्ट्राइक रेट भी है इस बैट्समैन का, और दोनों टेस्ट में 1-1 बार आउट किया है बोलेट ने अर्वी को, तो न्यू बॉल क्रिटिकल हो सकते हैं अगर बोलेट खेले तो ये दोनों सेक्शन से आप प्लेयर्स ले सकते हैं आप अपनी टीम में, क्योंकि हो सकता है कहिसो रबाड़ा डेविड वॉर्नर को आउट कर दे, लेकिन जैसे लास्ट मैच में हो सकता है 70-80-100 रन मारने के बाद कहिसो रबाड़ा उनका विकेट ले, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कहिसो रबाड़ा तुरंत डेविड वॉर्नर को आउट कर दे और वॉर्नर आपको कुछ भी पॉइंट्स न दे, पर ये टेस्ट मैच है, 2 इनिंग्स के पॉइंट्स मिलेंगे आपको, तो आप पेशेंस ना खोए, आपको जो सही लगे आप वो प्लेयर्स अपनी टीम में रखें। हमने सिर्फ आपको प्लेयर बैटल्स के रिगार्डिंग एडुकेट किया है। अब एक हमारी तरफ से एक सजेस्टेड फैंटेसी 11 स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, ये उन कॉन्टेस्ट के लिए जहां पर 2 से लेकर 100 प्लेइंग मेंबर्स हो, और ये एक सजेशन है, अगर आप फैंटेसी गली के वेबसाइट या ऐप पर आएंगे तो आपको कई ज्यादा टीम्स मिल जाएंगे, सारे के सारे फ्री है। बस हमारी तरफ से एक दरख्वास्त है कि आप जो है अपनी हैशटैग अपनी अकल ऑन करें, यानी सारे के सारे प्लेयर्स ना ले, 3 या 4 प्लेयर यहां से हटा के आप अपने चॉइस के रखें प्लेयर्स जो आपके थॉट प्रोसेस गट फीलिंग के हिसाब से चले। और ये एक टीम है यहाँ पर, एक कीपर, 4 बैटर, 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर। काइल वेरेन की बात करें, इस सीरीज में थोड़ी बहुत फॉर्म इन्होंने दिखाई है, ऑन एन एवरेज आपको 103 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। पिछले 5 मैचेस में 4 मैचेस ऐसे जहां पर इन्होंने कम से कम 30 रन तो बनाए ही बनाए हैं, और ये अमूमन फर्स्ट इनिंग्स में बेहतर बैटिंग करते हैं। उसके बाद सारे लवी अभी तक पोटेंशियल दिखाया नहीं है, लेफ्ट हैंड बैटर है साउथ अफ्रीका की तरफ से, ऑन एन एवरेज आपको 61 फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं, और ये अमूमन फर्स्ट इनिंग्स में बेहतर बैटिंग करते हैं। फिर रैसी वैंडर डुसन, इनसे काफी एक्सपेक्टेशन होंगी, ये भी ऑन एन एवरेज आपको 61 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, फर्स्ट इनिंग्स में बेहतर बैटिंग करते हैं। फिर मानस लाभूषण, ये टू बी ऑनेस्ट थोड़े आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं पिछले 2 मैचेस में, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 112 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, पिछले 4 मैचेस में 2 मैचेस ऐसे जहां पर 190 प्लस स्कोर तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, इस श्रृंखला में अभी तक फिलहाल चले नहीं है, लेकिन अपने होम ग्राउंड नहीं कहूंगा मैं, लेकिन सिडनी पे चल सकते हैं। इस वेन्यू पर पिछले 3 मैचेस में इनके 280 प्लस नॉक्स है, और ये अमूमन फर्स्ट इनिंग्स में बेहतर बैटिंग करते हैं। फिर उसके बाद स्टीवन स्मिथ, लाइक फॉर लाइक स्टीवन स्मिथ ऑन एन एवरेज आपको दे रहे हैं 108 फैंटेसी पॉइंट्स, ये थोड़े बहुत चले हैं पिछले 5 पारियों में, 3 पारियां ऐसी, 3 मैचेस ऐसे हैं माफ कीजिएगा जहां पर इनका 140 प्लस स्कोर तो डेफिनेट है, और 2 हाफ सेंचुरी यहां पर है। इनका होम ग्राउंड अवश्य है एससीजी सिडनी, और इस वेन्यू पर पिछले 5 मैचेस में 4 मैचेस ऐसे हैं जहां पर स्टीवन स्मिथ के कम से कम 30 प्लस स्कोर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा बेहतर बैटिंग करते हैं। फिर ऑलराउंडर्स में केशव महाराज, ये ट्रैक इन्हें सूट कर सकती है, ऑन एन एवरेज आपको 100 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स राइट हैंड बैटर। फिर एश्टन एगा, इनको कंसिडरेशन में लाया जा सकता है, क्योंकि ट्रैक है यहाँ पर, ऑन एन एवरेज आपको 90 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट हैंड बैटर। फिर मार्को यानसन, जो अच्छे फॉर्म में है ही इस पर्टिकुलर श्रृंखला में,
ऑन एन एवरेज आपको 122 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, और लास्ट मैच में जो विद द बैट भी आप उन्होंने आपको फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे। और अगर बोलिंग की बात करें तो पिछले 5 मैचेस में 4 मैचेस ऐसे हैं जहां पर 1-2 विकेट हॉल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये सेकंड इनिंग्स में अमूमन बेहतर बोलिंग करते हैं। फिर बॉलर्स में लुंगी एनगिडी अगर इन्हें मौका दिया गया तो ऑन एन एवरेज आपको 53 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम। फिर कहिसो रबाडा, पिछला मैच इनके लिए अच्छा नहीं गया बट उसका मतलब ये नहीं कि वो खराब बॉलर है। ऑन एन एवरेज आपको 107 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। पिछले 5 मैचेस में 3 मैचेस ऐसे हैं जहां पर आपको 1-3 विकेट हॉल तो डेफिनेटली दिख रहा है, तो या तो ये चलते हैं या तो बिल्कुल भी नहीं चलते, ये हमने पिछले कुछ मैचेस से देखा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 5 मैचेस में इनके 4-3 विकेट हॉल्स है, और ये सेकंड इनिंग्स में अमूमन बेहतर बॉलिंग करते हैं। उसके बाद पैट कमिंस थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे इस सीरीज में, ऑन एवरेज आपको 102 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की थी 7 विकेट, लेकिन दूसरे में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। पिछले 3 मैचेस में 2-2 विकेट हॉल्स है इनके। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट पिछले 5 मैचेस में 4 मैचेस ऐसे जहां पर कम से कम 1-2 विकेट हॉल तो डेफिनेटली डेफिनेट है, और एससीजी पे पिछले 4 मैचेस में चारों मैचेस में 1-2 विकेट हॉल तो कंफर्म रहा है, और ये सेकंड इनिंग्स में अमूमन बेहतर बॉलिंग करते हैं। इस टीम के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस मानस लाफुशे, केशव महाराज, एस्टन एगार और मार्को यांसन। बैकअप ऑप्शन स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए विकेट कीपर में हेनरिक क्लासन, ऑन एन एवरेज आपको 132 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। पिछले 5 पारियों में 4 पारियां ऐसे जहां पर कम से कम इन्होंने 30 प्लस तो स्कोर किया ही किया है, और 2 सेंचुरीज भी है। बैटर में मैट रेनशॉ, ऑन एन एवरेज आपको 115 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। ये भी कंटेंशन में है अगर वो कैमरन ग्रीन को एज द बैटर रिप्लेस कर रहे हैं तो, क्योंकि ये भी ऑफ ब्रेक डाल सकते हैं। इस वेन्यू में पिछले 3 मैचेस में इनके 2 35 प्लस नॉक्स है, और ये सेकंड इनिंग्स में अमूमन बेहतर बैटिंग करते हैं। फिर ऑलराउंड में जेरार्ड कोर्जी अगर इन्हें खिलाया गया तो राइट आर्म फास्ट और राइट आर्म बैटर, ऑन एन एवरेज आपको 57 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। और बॉलर में साइमन हार्मर, प्योर बॉलर, प्योर ऑफ ब्रेक बॉलर, इन्हें भी मौका दिया जा सकता है, ऑन एन एवरेज आपको 146 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। पिछले 5 मैचेस में 4 मैचेस ऐसे हैं जहां पर कम से कम इन्होंने 1-3 विकेट हॉल तो लिया ही लिया है, और इन्होंने जो लास्ट मैच खेला था, लास्ट डोमेस्टिक मैच खेला था, उसमें उन्होंने 14 विकेटें ली थी। ऐसे इनफॉर्म प्लेयर को ये वाली ग्राउंड परफेक्टली सूट कर सकती है। अब ग्रैंड लीग की बात करें, 1 कीपर, 3 बैटर, 4 ऑलराउंडर और 3 बॉलर। विकेट कीपर में एलेक्स कैरी, लास्ट मैच में शानदार शतक जड़ी थी उन्होंने। थोड़े बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं लेकिन इन्हें बैटिंग करने का उतना मौका नहीं मिला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टॉप ऑर्डर इतनी स्ट्रांग रही है। ऑन एन एवरेज आपको 96 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। पिछले 4 मैचेस में आपको 230 प्लस स्कोर्स तो डेफिनेटली मिलेंगे एलेक्स कैरी के बल्ले से। अगर हम इस वेन्यू की बात करें, एससीजी में पिछले 4 मैचेस में इनके 3 मैचेस ऐसे हैं जहां पर आपको 35 प्लस स्कोर तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये फर्स्ट इनिंग्स में अमूमन बेहतर बैटिंग करते हैं। उसके बाद बैटर्स में मानस लाबुशे, स्टीवन स्मिथ, खाया जोर्डो, इन पे आप भरोसा थोड़ा कर सकते हैं, और ऑन एवरेज आपको 54 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। सेकंड इनिंग्स में बेहतर बैटिंग करते हैं। ऑलराउंडर्स में मार्को यांसन, केशव महाराज, एस्टन एगार, ट्रेविस हेड जो अलग ही फॉर्म में है रिसेंट पास्ट में, ऑन एन एवरेज ट्रेविस हेड आपको दे रहे हैं 95 फैंटेसी पॉइंट्स। पिछले 4 मैचेस में आपको 3 मैचेस ऐसे मिलेंगे जहां पर 145 प्लस स्कोर तो डेफिनेटली डेफिनेट है, और इनके भी ऑफ ब्रेक्स हैं जो काम में आ सकते हैं इस पिच पर। उसके बाद बॉलर्स में कहिसो रबाडा, नेथन लायन, इनका होम वेन्यू तो नहीं बट ये सिडनी की तरफ से खेले हुए हैं। पिछले ऑन एन एवरेज आपको 97 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं नेथन लायन। पिछले 5 मैचेस में 5 मैच में 1-2 विकेट हॉल दो कन्फर्म्ड है। माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के सामने पिछले 5 मैचेस में इनके 5 मैचेस में 1-2 विकेट हॉल कंफर्म रहा है, और एससीजी पे पिछले 5 मैचेस में 4 मैचेस ऐसे जहां पर 1-2 विकेट हॉल तो मिनिमम है, लेकिन 2 मैचेस ऐसे जहां पर इन्होंने 10 विकेट ली है मैच में, तो इसलिए नेथन लायन को एससीजी से रूल आउट मत कीजिए। और फिर स्कॉट बोल्ड अगर इन्हें खिला गया तो ऑन एन एवरेज आपको 81 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। हिट द डेक बोलर है। इनके पिछले 4 मैचेस देखे, 4 मैचेस में हर मैच में 1-2 विकेट हॉल तो कंफर्म दिख रहा है, और इस वेन्यू पे पिछले 4 मैचेस में हर मैच में 1-2 विकेट हॉल तो कंफर्म है ही, लेकिन 3 मैचेस ऐसे जहां पर 3 विकेट हॉल भी कंफर्म है।
तो इस टीम के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन स्मिथ, जोंडो, रबाडा और लायक। बैकअप ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए विकेट कीपर में हाइनरिक क्लासन, फिर बैटर में सारेल अर्वी, ऑलराउंडर में जेरार्ड कर्ट्जी और बॉलर में माइकल नीसर। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में माइकल नीसर है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी का मतलब यह है कि ये ऑफिशियल स्क्वाड में है, ओरिजिनल स्क्वाड में, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच शुरू होने के बाद इन्हें स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया क्योंकि वो ताकि वो बिग बैश खेल सके, तो इन्हें भी कंसिडरेशन में लिया जा सकता है क्योंकि ये भी एक ऑलराउंडर टाइप है। ऑन एन एवरेज आपको 133 फैंटेसी पॉइंट दे रहे हैं। पिछले 5 मैचेस में उनके 3 मैचेस ऐसे जहां पर 1-3 विकेट फॉल तो कन्फर्म है, और इस वेन्यू में जब इन्होंने लास्ट खेला था फर्स्ट क्लास मैच तब इन्होंने 4 विकेट ली थी। तो ये हो गए प्लेयर सजेशंस। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। लो टू मीडियम ही रखे, हेड टू हेड और स्मॉल लीग्स में ज्यादा टीम्स बनाए, ग्रैंड लीग में अब 1 या 2 ही टीम रखे क्योंकि वहां पर रिस्क और लक फैक्टर ज्यादा होता है, और टीम डिसाइड करने के बाद सही कॉन्टेस्ट चुनने के लिए प्लीज फैंटेसी गली की मदद ले लें। आप फैंटेसी गली पे आए, कॉन्टेस्ट सेक्शन में जाए, वहां पर फैंटेसी मौजूद है, उन्हें टॉगल करें लेफ्ट टू राइट। टॉगल करते करते लेफ्ट साइड में आपको कॉन्टेस्ट बदलते नजर आएंगे और राइट साइड में उन कॉन्टेस्ट के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेट कमाई दर्शाई जाएगी, और जब आप ये लॉक करोगे फिर फैंटा पे माउस ओवर करोगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि इस सिलेक्शन के हिसाब से आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। इसके बाद जब आप कॉन्टेस्ट खेलने उतरोगे आपके नुकसान के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड ऑन दैट नोट हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से आप सभी का जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वहां पर एक बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो प्लीज हमें जरूर बताइए कि क्यों पसंद नहीं आया और किस तरह से हम बेहतर बन सकते हैं, नीचे चैट और कॉमेंट सेक्शन में आकर और आपकी मदद या सहायता कर सकते हैं। प्लीज fantasygully.com पे आइए ज्यादा डिटेल्स के लिए और हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर जुड़े। मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की तरफ से आपसे विदा लेना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट जब आप इस मैच के लिए अपनी टीम बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।